बेतिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 10 लाख रुपए की हथियारबंद अपराधियों ने की बैंक डकैती। बैंक डकैतों के दोनों हाथों में थी पिस्टल। डकैती कर भागने के दरमियान दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। बैंक डकैती के पहले बैंकिंग कर्मचारियों के साथ की मारपीट। एक सप्ताह पूर्व इसी बैंक के पास दंपति से लूट लिया गया था 1 लाख रुपया। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत संत घाट पटजिरवा रोड में करीब आधा दर्जन सशस्त्र अपराधियों ने दिन दहाड़े सरेआम 11 बजे के लगभग भारतीय स्टेट बैंक बलाही शाखा में हमला कर करीब 10 लाख से अधिक रुपए लूट कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बुधवार की सुबह 10 बजे बैरिया थाना अंतर्गत संत घाट पटजिरवा रोड में स्थित भारतीय स्टेट बैंक अपने नियत समय पर ग्राहकों को सेवा देने के लिए खुला। खुलने के लगभग 1 घंटे के बाद 11 बजे ही अचानक 6 हथियारबंद अपराधी अपने दोनों हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर लिए हुए अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश के साथ ही सबसे पहले बैंक के कर्मचारियों और मौजूद ग्राहकों को अपने कब्जे में लेकर सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद बैंक के शाखा प्रबंधक योगेंद्र प्रसाद चौधरी, लेखापाल खजांची समेत सभी को अपने बंदूक की नोक पर लेकर नगद बैग में भरने को कहा, जिस पर आपत्ति करने पर शाखा प्रबंधक, लेखापाल और महिला खजांची को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं एक ग्राहक बैरिस्टर राय के विरोध करने पर भी मारा गया। जब उनके द्वारा गोली मारने की बात की गई, तब जाकर बैंक के अधिकारियों ने काउंटर और स्ट्रॉन्ग रूम तक लेकर गए और लगभग 10 से 12 लाख रुपए अपराधियों ने बैग में भर लिया। बैग भरने के बाद अपराधियों ने बैंक के अंदर और बाहर निकलकर 2 से 3 फायरिंग भी दहशत फैलाने के लिए किया। फायरिंग करते हुए अपराधी मोटरसाइकिल से मथौली पुजहा पर जिरवा श्रीनगर के रास्ते की तरफ भाग खड़े हुए। घटना के पश्चात पुलिस को सूचना दी गई। तब कालीबाग ओपी बैरिया थाना, नगर थाना, नौतन थाना के साथ डायल 112 की गाड़ी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दल बल के साथ पहुंचकर घटना की जांच और पूछताछ करना शुरू किए। इस दरमियान यह बात सामने आई कि अपराधी 15 से 20 मिनट के लगभग बैंक की लूट की घटना को अंजाम देते रहे और बाहर किसी को भनक तक ना लगी। बैंक के अंदर और बाहर पुलिस ने 2 कारतूस का खोखा भी बरामद किया है। वहीं सूचना पर पहुंचे बेतिया के पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने भी बंद बैंक के केबिन में बैंक के शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम और अन्य जगहों का जायजा लिया। उसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैंक के अंदर 6 अपराधी गए थे और हो सकता है कि कोई बाहर भी हो, जिसकी जांच की जा रही है। बैंक शाखा प्रबंधक ने अनुमान 10 लाख की डकैती बताई है, जो कि बढ़ भी सकता है। ज्ञातव्य हो कि 30 नवंबर को भटवलिया के एक दंपति मोतीलाल पटेल द्वारा इसी बैंक से 1 लाख नकद निकासी कर अपने गांव में लिए। बैंक से कुछ दूर जाने के दरमियान बाइक सवार लुटेरों ने उनका रुपया छीन लिया था। वो रुपया उनकी बेटी की शादी के लिए निकाल कर ले जाया जा रहा था। विदित हो कि जिले में बढ़ती बैंक लूट और डकैती से जिला सशंकित है। पूर्व में बेतिया बस स्टैंड, उत्तर बिहार ग्रामीण, बर्वत परसरैन शाखा और बैंक ऑफ बड़ौदा लॉरिया लूट की घटना का अब तक सफल उद्भेदन नहीं हो सका है और फिर एक बैंक डकैती पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। ऐसे में पूर्व के बैंक लूट और आज की बैंक डकैती का खुलासा पुलिस कितनी सफलतापूर्वक करेगी, क्या सर मामला हुआ है, जिस प्रश्न बना हुआ है। कितने बजे ये घटना हुई, कौन सा ये बैंक है, स्टेट बैंक, कितने की लूट वगैरह हुई है? अभी तो हम काउंट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अंदाज से अगर 10-12 एवरेज है। कितने की संख्या में आए हुए थे? 6 की संख्या। हेलमेट पहने हुआ था और हथियार भी अगर था उसके पास? हथियार दोनों हाथ में हथियार देते थे। 6 आदमी के पास? 6 आदमी। अच्छा, तो वो आते ही वो लोग क्या किया? लोग आते सब 4 आदमी को स्टार्ट ले लिया, 5वां हमको लिया। और क्या हुआ? मिलाना पड़ेगा, लेकिन मैडम बहुत देरी भी कर रही है। किसी को मारा वगैरह भी नहीं? में गोली गिरा दिया था। किसी ने पब्लिक से जो मारा सबको यहां भी? आपका परिचय? योगेंद्र प्रसाद चौधरी, शाखा का। पूछिए ना बाबा को कितना मारा है। ठीक है, सर।
लगभग अंदर जो है बता रहे हैं कुछ है की संख्या में थे और वो भी हो सकता है कि बाहर भी जो है ना हम लोग साथ ही साथ जो कितने अमाउंट का निगेटिव हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं। ये भी बैंक मैनेजर के द्वारा रफली बताया गया है कि रफली 10 लाख जो है हुआ है वो भी हो सकता है। सर इसके पहले भी सर CST लूट हुई थी, 7 दिन पहले सर 1 लाख रुपया का लूट हुई थी व्यापारी का। किस नंबर का क्या कर रहे हैं अभी एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें छन के आएगी है जो चीज़ें जो सबूत आएगी उसके आधार पे कार्रवाई सर बैंक।